हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र Today we will discuss newspaper analysis dated September 20th and if you are finding this analysis helpful then please like share and subscribe i have also started my upsc mentorship program in which i am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail if you are interested and want to join this program for that you need to visit the telegram group and the link of the telegram group is in the description box Here, द फर्स्ट news is from 60% इन UPA to 95% in NDA, a surge इन share of opposition अ सर्च इन शेयर ऑफ अपोजिशन लीडर्स इन सी नेट तो इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की है और इंडियन एक्सप्रेस की क्या फाइंडिंग्स है वो हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि कंट्री की प्रेमियर एंटी करप्शन एजेंसी हैज़ एक्वायर्ड मैनी एंड एपीथेड फॉर इट्स रेपोटेशन ऑफ एक्टिंग एट द बिहेस्ट कि कौन यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा है फॉर एक्जाम्पल जब यहाँ पर यू पी ए पावर में थी दो हज़ार चार से लेकर दो हज़ार चौदह में एटलीस्ट सेवेंटी टू पोलिटिकल लीडर्स के मंडा द सी बी आई स्कैनर और इसमें से जो फोर्टी थ्री थे वो यहाँ पर ऑपोजिशन से थे इसका मतलब ये है जो सिक्सटी परसेंट यहाँ पर स्कैनर था सी बी आई का वो यहाँ पर ऑपोजिशन के ऊपर था सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एन डी ए में देखोगे तो वन ट्वेंटी फोर प्रोमिनेंट लीडर्स हैव फेस्ड सी बी आई प्रोफ्स और इसमें से एक सौ अट्ठारह आर फ्रॉम द अपोजिशन दैट इज़ नाइनटी फाइव परसेंट एंड जस्ट एज इन द यू पी ए वेना लीडर्स विच इज़ साइड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गया तो जो सी बी आई केस उसके अगेंस्ट होता है वो यहाँ पर बैकबर्नर में चला जाता है and in the past 18 years spanning the government of rivals Congress and BJP of the close to 200 key politicians jo yahan par CBI ne book kiye the 80% have been from the ranks of the opposition ये trend यहां पर और ज्यादा increase हो गया है जब से NDA यहां पर power में आई है for example हमने ये देखा कि 95% जो यहां पर cases थे वो यहां पर opposition के ऊपर थे अब हम next news पर चलते हैं meaningful chance to those on death row तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेफर किया है टू फाइव जज बेंच दैट अ यूनिफॉर्म अप्रोच इज नीडेड ऑन ग्रांटिंग रियल एंड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू कन्विक्स ऑन डेथ थ्रू एंड नोटिंग अ क्लियर कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस बिटवीन सम ऑफ इट्स अर्लियर डिसीजन जिसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि इसको रेफर किया जाएगा टू अ फाइव जज बेंच और उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा टू इंश्योर अ यूनिफॉर्म अप्रोच ऑन द क्वेश्चन ऑफ ग्रांटिंग रियल एंड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर हियरिंग होनी चाहिए इनकेस वेयर इट वॉज फेल्ट कि रियल एंड इफेक्टिव हियरिंग मे नॉट हैव बीन गिवन क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस सेम डे को ही दे दिया गया था दिस कोर्ट वॉज सेटिस्फाइड डेट द फ्लॉ हैड बीन रेमेडिड एट द अपीलेट स्टेज तो ऐसे में यहाँ पर क्या किया जाएगा इस केस को यहाँ पर रेफर कर दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर सेक्शन 235 थर्टी फाइव क्लास टू का इम्प्लीमेंटेशन होगा अब सेक्शन 235 थर्टी फाइव क्लॉज टू क्या कहता है ऑफ द सी आर पी सी दैट इफ द दूज इज कन्वेक्टेड द जज शेल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन थ्री सिक्सटी हेयर ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस और उसके बाद ही यहाँ पर सेंटेंस को पास किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ फिर यहाँ पर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस की बात की गई है जहाँ पर डेथ पेनाल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया था लेकिन यह कहा गया था कि डेथ पेनाल्टी यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर केसेस में ही दी जाएगी वेयर एन इट हैड अपेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर वाइल स्टेटिंग दैट इट विल बी इम्पोज ओनली इन द रेयरस्ट ऑफ द रेयर केसेज फिर टॉप कोर्ट ने यहाँ पर सुओ मोटो पिटिशन को भी रजिस्टर किया है टाइटल्ड इन रीफ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सरकम जिनको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा जब यहाँ पर डेथ सेंटेंस इम्पोज किया जाएगा अब मिटिगेटिंग सरकम क्या होते हैं बेसिकली वो सरकम जिसकी वजह से यहाँ पर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया हो और उन सरकम का भी यहाँ पर रोल हो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का यहाँ पर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसने क्राइम किया हो तो इस फैक्टर को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा अगर यहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है टू स्ट्रीम लाइन द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग सरकम इंस्टांसिस इन सच मैटर्स तो बच्चन सिंह वर्स स्टेट ऑफ पंजाब जहाँ पर डेथ पेनाल्टी फॉर मर्डर को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया था लेकिन ये कहा गया था कि रेयरस्ट ऑफ द रेयर केसेज में ही इसको यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा फिर यहाँ पर मिटिगेटिंग सरकमस्टांसिस को कंसिडर करने के लिए इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए गाइडलाइंस को फ्रेम किया जाएगा अब हम आगे चलते हैं इंडियंस प्रेफर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बेगर्स फॉर मेकिंग डोनेशन यहां पर सर्वे किया गया है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ इज द एस्टिमेट ऑफ मॉन्ट्री गिविंग्स बाई हाउस होल्ड बेस्ड ऑन द सैंपल साइज सेवेंटी परसेंट यहां पर जो डोनेशन दिया गया वो दिया गया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को ट्वेल्व परसेंट टू बैगर्स नाइन परसेंट टू एक्सटेंडेड फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फाइव परसेंट टू नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। एटी सेवन परसेंट ऑफ हाउस होल्ड सर्वेट डोनेटेड जिसमें फिफ्टी सिक्स परसेंट ने डोनेट किया कैश में सेवन परसेंट ने डोनेट किया में और थर्टी सेवन परसेंट ने डोनेट किया कैश एंड काइंड डोनेटेड रुपीज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ इन कैश बिटवीन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन हाउस होल्ड गिविंग्स हैज़ फाउंड विद द लाइन्स शेयर सिक्सटी फोर परसेंट यहाँ पर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है द रिपोर्ट टाइटल हाउ इंडिया गिव्स ट्वेंटी 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 रिलीज बाई द सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिल्म्रॉपी

अब सुप्रीम कोर्ट को ये बातें कही गई हैं भाई दुष्यंत दवे तो ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अभी कोई कंक्लूजन नहीं आया है इस केस में मुस्लिम अपीलेंस हैव चैलेंज द कर्नाटका हिजाब बैंड टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे दैट द डायरेक्टिव अगेंस्ट वेयरिंग द एपरल इन स्कूल इस पार्ट ऑफ पैटर्न और यहाँ पर मिनोरिटी कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज करने का यहाँ पर ट्रेंड बन गया है आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी इंडिविजुअल और एनी थिंग बट दीज एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन शो कि यहाँ पर मायनॉरिटी कम्यूनिटीज़ को मार्जलाइज करने का एक यहाँ पर पैटर्न बन गया है द वे रेफोर टू कॉन्ट्रोवर्सी सच इज़ लव जिहाद एंड सेट दिस हैजू बी कंसिडर्ड इन द काइंड ऑफ एटमोसफियर जो कि कंट्री में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ही आस्क इज दिस द डेमोक्रेसी आर फोर फादर्स फॉर्ड फॉर द वे सेट जेट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स अ ड्रेस कोड फॉर लॉयर्स एंड आस्क इफ द कोट विल स्टॉप अ लॉयर अगर यहाँ पर कोई लॉयर कैप पहनकर आ जाता है द वे सेट दैट जस्ट लाइक टर्बन फॉर सेक्स हिजाब इज सेटेंट फॉर मुस्लिम वेमेन तो यहाँ पर अभी तो डिबेट ही चल रही है कोई भी कंक्लूजन नहीं आया है अब हम आगे चलते हैं सिक्योरिंग बेसिक स्ट्रक्चर तो ये चैप्टर आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा बेसिक स्ट्रक्चर का एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन से कैसे आया था ओवर द पास्ट वीक द मीडिया हैज बीन फेथफुली रिपोर्टिंग क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वन जीरो थर्ड अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में हुआ था क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे कोर्ट्स आर एम्पावर्ड अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन की कोर्ट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इनवैलिडेट कर सकते हैं अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं सिमिलरली कोर्ट यहाँ पर लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स को भी यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं बट एज टू वेदर दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोई किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ एंड फॉलोइंग द प्रोसीजर जो यहाँ पर आर्टिकल 368 में प्रिस्क्राइब किया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर साइलेंट है अप टू द ईयर नाइनटीन विद वन सिंगल पोलिटिकल पार्टी जो कि कंसिस्टेंटली यहां पर पावर में आ रही थी दैट वॉज कांग्रेस अल्टीमेटली इन नाइनटीन सेवनटी थ्री इन केशवानंद भारती आ लार्जर बेंच ऑफ थर्टीन जजेस सेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लिसनिंग टू अर ऑर्ग्यूमेंट्स ऑन वॉट वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन इशू ऑफ ग्रेफ मोवमेंट और यहाँ पर सेवन इस टू सिक्स का मेजोरिटी से वो अडिक्ट आता है इट हेल्ड दैट कि यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल सिक्सटी आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन की टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉस्प्लेनरी एक्सटेंडिंग टू ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इसका मतलब यह नहीं है जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है लेकिन यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हर जजमेंट के साथ इवॉल्व होता गया बाई रीडिंग इम्प्लाइड लिमिटेशन इन द एमेंडिंग पावर द सुप्रीम कोर्ट इस्टाब्लिश अ न्यू प्रेसिडेंट बट द मेजोरिटी व्यू वॉज राउंडली क्रिटिसाइज तो इस व्यू को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया फिर यहाँ पर दिन आता है जून बारह उन्नीस सौ पिछहत्तर का जिसमें हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद इंदिरा गांधी लॉस्ट का इलेक्शन पिटीशन जो कि फ़ाइल की, की गई थी बाई नारायण और यहाँ पर यह पाया गया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिस का यूज़ किया था द अनथिंकेबल हैड हैपेंड और प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से अनसीट हो गए थे इन पार्लियामेंट तो अभी उनकी अपील पेंडिंग थी इंदिरा गांधी की अपील पेंडिंग थी टू तो द सुप्रीम कोर्ट एन इंटरनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाता है कंट्री में देन इन अगस्त 1975 सेवनटी फाइव यहाँ पर थर्टी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आया जाता है और ये कहा जाता है दैट नो लॉ मेड बाई पार्लियामेंट फुड अप्लाई टू द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर द इलेक्शन ऑफ सर्च पर्सन यहाँ पर वॉइड नहीं हो सकता और एवर टू हैव बिकम वॉइड इट वुड कंटिन्यू टू बी वैलिड इन ऑल रिस्पेक्ट In effect, the judgment of Justice Mohan Lal Sena of the Allahabad High Court holding Mrs. Gandhi guilty of corrupt practices under the existing election laws was attempted to be reversed by a constitutional amendment. और उसके बाद यहाँ पर एक बेंच बैठती है और बेंच का इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में ये कहना होता है दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन वा फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको पार्लियामेंट यहाँ पर अमेंट नहीं कर सकती है तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्श्रीन का यूज़ किया गया इट वॉज दिस डिसीजन दैट हेल्प टू सीमेंट द बेसिक स्ट्रक्चर थियरी मच लेटर यहाँ पर आई आर कोलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन आई यूनानिमस डिसीजन ऑथोरिटेटिवली अपेल्ड द नैरो मेजॉरिटी व्यू इन केशवानंद भारती केस उसके बाद आई आर कोलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु में वापस से यूनानिमस व्यू के साथ केशवानंद भारती केस को यहाँ पर अपेल किया गया तो आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया हो कि बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर केशवानंद भारती केस से आया फिर उसके बाद इंदिरा गांधी केस में इसका वापस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का यूज़ किया गया फिर आई आर कोलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इसको वापस से अपेल्ड किया गया नेक्स्ट है यहाँ पर टेकिंग ऑफ द हिज़ाब तो ईरान में यहाँ पर एक केस हुआ है तो ईरान में एक कुर्द महिला थी जिसने हिजाब सही से नहीं पहन रखा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर जो मोरालिटी पुलिस है उसने उसको डिटेन कर लिया होगा अब मोरालिटी पुलिस ने जब डिटेन किया तो ऐसे में महिला की मौत हो जाती है अब मौत किस वजह से हुई हार्ट अटैक की वजह से हुई या तो उसको डिटेन करने के बाद उसके साथ यहाँ पर कुछ किया गया जिसकी वजह से उसकी यहाँ पर मौत हुई यह क्लियर नहीं है तो टेकिंग ऑफ द हिजाब ये उस इशू के ऊपर ही यहाँ पर आर्टिकल है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं लिफ्टिंग द वेल ये आर्टिकल भी उसी इशू के ऊपर है इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द टू डे ओल्ड हिजाब प्रोटेस्ट इन ईरान अगेंस्ट द डेथ इन कस्टडी ऑफ ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड आफ्टर शी वॉज अरेस्टेड बाई द कंट्रीज मोरालिटी पुलिस क्योंकि उसने यहाँ पर स्ट्रिक्ट हेड स्काफ रूल को वॉयलेट किया था द कस्टोडियल डेथ ऑफ महासा अमीनी यंग वुमेन हु वाज अरेस्टेड बाय द मोरालिटी पुलिस इन तेहरान और जिसकी वजह से ईरान में हमें वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं अंडर द स्कैनर आदा पुलिस जो कि पब्लिक प्लेसेस को पेट्रोल करते हैं ये इन्फोर्स करने के लिए कि हेडस्काफ लॉ यहाँ पर सही से इन्फ़ोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है कॉन्वर्सेशन और टेकिंग प्लेस ऑन द सिचुएशन ऑफ वेमेन की इस्लामिक रिपब्लिक में जो ईरान है वहाँ पर वेमेन की सिचुएशन क्या है जब से इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था नाइनटीन सेवेंटी नाइन में वेमेन हैव बीन रिक्वाड बाई लॉ की उनको यहाँ पर वेल से अपना हैड नेक और अपने हेयर को यहाँ पर कंसील करना है ओवर द पास टू डेकेट्स हाउ एवर मोर एंड मोर वेमेन इन तेहरान एंड अदर मेजर सिटीज ऑफ ईरान हैव बीन लेटिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ हेयर आउटसाइड देयर वेल क्योंकि वो यहाँ पर प्रोटेस्ट को शो कर रहे हैं द इरानियन रेवोल्यूशन विच विद द विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट एंड द क्रिएशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक और इसमें विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एयोतल खमीनी प्रेस्ड वेमन फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द रिवोल्यूशन तो इस्लामिक रिवोशन जो हुआ था उसमें विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन मार्च नाइनटीन आफ्टर द न्यू इस्लामिक लॉ ऑन वेलिंग एट वर्क प्लेस केम इंटू फोर्स मैसेव डेमोस्ट्रेशन देखे गए थाउजेंड्स ऑफ वेमन टुक टू द स्ट्रीट्स और उन्होंने ये कहा कि रिवोलूशन का मतलब ये नहीं था कि हम और ज़्यादा बैकवर्ड चले जाएंगे आफ्टर द डेथ ऑफ़ कमीनी इन 1989 और उसके बाद यहाँ पर एथ ईयर वॉर जो इराक के साथ ख़त्म होता है न्यू आइडियोलॉजिकल करमर्श अमंग वुमेन जिन्होंने डिमांड किया रिफॉर्म्स की और यहाँ पर इस्लामिक रिजीम को भी सपोर्ट किया लेकिन यहाँ पर रिफॉर्म की भी डिमांड की द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑफ दिस न्यू जनरेशन ऑफ एक्टिविस्ट वॉज द वन मिलियन सिग्नेचर्स फॉर द रिपील ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज अगेंस्ट वुमन इन ईरान तो यहाँ पर ये यह सब बताया गया है जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं Next है नेक्स्ट है इंडिया एंड द यूरेशियन वैक्यूम एज मॉस्को मॉडल्स थ्रू विद इट्स यूक्रेन इन्वेजन जो इम्प्लीकेशन है कि रशिया यहाँ पर वीक हो रहा है इंडिया विल हैव टू फाइंड न्यू वेज कि हम अपने यूरेशिया में इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर करेंगे थैंक्स टू इट्स क्लोज टाइज टू द सोवियत यूनियन तो पहले हमारे पास प्रिवलेज एक्सिस्टी टू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन द कोल्ड वॉर बट डेली कुड नॉट डू मच विद डैट क्योंकि यहाँ पर सोवियत यूनियन को कोलैप्स हो जाता है एबसेंस ऑफ जियोग्राफिक एक्सेस एंड लिमिटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है हमारे जो टाइज हैं वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ सिंस द कोलेप्प्स ऑफ द सोवियत यूनियन डेली हैज़ लार्जली रिलाइड ऑन मॉस्को टू बटरस इट्स रोल इन द रीजन इंडिया ने यहाँ पर रशिया के साथ काम करने की कोशिश की और ईरान के साथ हमने यहाँ पर काम किया तालिबान इन अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए रशिया ने एक्टिवली कैंपेन किया कि इंडिया को यहाँ पर एस सी ओ मिलनी चाहिए जबकि यहाँ पर चाइना ने रिजर्वेशन शो किए थे लेकिन इंडिया को यहाँ पर एस सी ओ की मेंबरशिप मिल गई मॉस्को बेट दैट अगर यहाँ पर एस सी ओ की मेंबरशिप इंडिया के पास होगी तो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर रहेगा रशिया ने हमें आम सप्लाई की करने की भी बात की थी जब यहाँ पर चाइना के साथ हमारा क्लैश चल रहा था बॉर्डर के ऊपर चाइनाज रेपिड राइज इन द न्यू मिलानियम हाउ एवर हैज़ बिगन टू चेंज द रीजनल इक्वे तो चाइना यहाँ पर एक इकोनॉमिक पार्टनर ही नहीं बना है फॉर द सेंट्रल एशियन स्टेट्स बल्कि यहाँ पर जो चाइना की सिक्योरिटी टाइज है विद मॉस्को ये भी बहुत ज़्यादा डीपन हो रही है मैनी इन द इंडियन स्ट्रेटिक कम्युनिटी ये मानते हैं कि वेस्ट जो है वो रशिया को पुश कर रहा है इनटू टू चाइनाज़ आम क्योंकि यहाँ पर जो रशिया की डिपेंडेंस है वो सिर्फ एक कंट्री के ऊपर आकर रह गई है दैट इज चाइना बट द रशियन स्टेट हैज़ बीन अराउंड फॉर मोर देन अ थाउजेंड ईयर्स तो ये ऑथर का कहना है कि रशिया यहाँ पर हजारों सालों से है तो रशिया को अपने इंटरेस्ट पता है तो यहाँ पर वेस्ट यहाँ पर रशिया को पुश नहीं कर सकता कि रशिया को यहाँ पर चाइना की तरफ जाना है रशिया को पता है कि रशिया को यहाँ पर क्या स्टेप लेना है अब यहाँ पर वेस्ट की वजह से रशिया चाइना के पास गया है या रशिया खुद चाइना के पास गया है जो इसके कॉन्सिक्वेंस है वो यहाँ पर इंडिया के लिए सेम ही रहने वाले हैं वेदर पुतिन वॉज पुस्ड और जम्प्ड इन टू चाइनीज द कॉन्सिक्वेंसिस फॉर इंडिया आर द सेम फोर्स द रशियन इन्विजन ऑफ यूक्रेन हैज़ अलाउंड इट्स क्लोज नेबर्स इफ़ रशिया कैन क्लेम दैट यूक्रेन का कोई राइट नहीं है यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का तो बेसिकली रशिया यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा कर सकता है फॉर एग्जाम्पल जॉर्जिया के साथ रशिया ऐसा कर सकता है मॉस्को शुड टेक बैक लॉस्ट लेंथ टू रिवाइव द माइटी एंड इनविंसिबल रशिया तो ये फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट का ये कहना था कि जॉर्जिया को भी यहाँ पर लेने की ज़रूरत है ही क्लेम डेट जॉर्जिया डट एग्जिस्ट एट ऑल बिफोर बिकमिंग पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर और यहाँ पर कजाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है द कजाक प्रेसिडेंट took Russian help to put down a revolt in January लेकिन यहाँ पर इन्होंने रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया सेकेंड जैसे जैसे यहाँ पर रशिया वीक हो रहा है कन्फ्लिक्ट आर ब्रेकिंग आउट विद इन इट्स यूरेशन इस फेयर फॉर एग्जाम्पल कजाकिस्तान और किर्गिस्तान का यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया फिर आर्मेनिया और अजहबाइजान का नगरनों को अब कन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया इक्वली इंपॉर्टेंट हैव बीन द क्लाश बिटवीन अजहरबाइजान एंड आर्मेनिया जो कि दो डायलॉग पार्टनर्स हैं एस सी ओ के बट नो वन इज़ बेटर प्लेस टू कैपिटलाइज ये जो रशिया की वलरेबिलिटीज़ है इसके ऊपर कैपिटलाइज कर रहा है चाइना ऑन इज वे टू द समरकंडिट शी जिनपिंग यहाँ पर गए थे नूर सुल्तान दैट इज़ द कैपिटल ऑफ द कज़ाकिस्तान और उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा शी अनाउंस चाइना इज अ स्ट्रॉग सपोर्ट फॉर द कज़ाकिस्तान फॉर इंडिया आइडल सिचुएशन यहाँ पर ये यह होनी चाहिए कि रशिया और वेस्ट में पीस हो लेकिन रशिया और वेस्ट में तो पीस है नहीं तो बेसिकली जो हमें रियलिटी है उसको हमें देखकर अपने स्टेप्स लेने चाहिए रशिया इज़ लॉक्ड इन एन अनविनेबल वॉर विद द वेस्ट इन नवंबर 2021 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल जी ने यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक मीटिंग कन्वीन की थी अफगान सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए इंडिया हैज़ लॉन्ग लुकड एट ईरान टू गेन जियोग्राफिक एक्सेस टू इनर एशिया इट मस्ट नाउ टाई अप विद इट्स अरब फ्रेंड्स जैसे कि सऊदी अरेबिया एंड द यू और हमें यहाँ पर लार्ज स्केल रीजनल प्रोजेक्ट्स करने चाहिए यूरेशिया में जो यूरेशियन वैक्यूम है जो कि यहाँ पर रशियन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के वीक होने की वजह से क्रिएट हुआ है तो ये अनफैमिलियर जियोपॉलिटिकल जियो तो है इंडिया के लिए लेकिन ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी ऑफर करता है तो हमें इन पॉसिबिलिटीज़ को देखने की ज़रूरत है नेक्स्ट है यहाँ पर री थिंकिंग यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यहाँ पर अनवील की है इट्स गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस बनाया जाएगा और यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पर अचीव किया जाएगा जो कॉलेजेज़ हैं उनको यहाँ पर मल्टी डिसप्लिनरी यूनीवर्सिटीज़ बनाया जाएगा और डिग्री अवॉर्डिंग ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बाई ट्वेंटी थर्टी फाइव अभी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं लेकिन क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ इसको अचीव कर सकती हैं आज इंडियाज करंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज अपू द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्कर्स फॉर नॉलेज सोसायटी तो अगर हम देखें तो ग्लोबल इंप्लॉयबिलिटी सर्वे से हमें ये पता चलता है फ्यूअर दैन टेन इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द टॉप फाइव हंड्रेड बाई लोकल सर्विस रूटीनली रिपोर्ट कि यहाँ पर डिस प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स हैं इट इज दैन ओनली नेचुरल कि हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं दे शुड सब्जेक्ट देम सेल्स फर्स्ट व ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस जो कि यहाँ पर डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया यहाँ पर ज़्यादातर ऑटोनॉमस है अगर यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स ऑफ फैकल्टी की बात आती है कि वो यहाँ पर फैकल्टी को अपॉइंट कर सकते हैं लॉजिकली इफ़ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन आर अकाउंटेबल फॉर डिलीवरिंग सर्टिन गोल्स दे मस्ट द अथॉरिटी कि वो यहाँ पर एक्शंस को ले सकें जो कि उनके मैंडेट को फुलफ़िल करें हाउ एवर अनलाइ इन मैनी डेवलप्ड नेशन जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको यहाँ पर स्टेट के द्वारा फंड किया जाता है कॉन्क्वेंटली दे सफर लिटिल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स वेन दे हायर पुअर क्वालिटी फैकल्टी तो ऐसे में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना फैकल्टी का उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है Thus, the द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज हैज टू बी री and एंड devised सो दैट यूनिवर्सिटीज़ इन देयर ओन इंटरेस्ट अपॉइंट द बेस्ट पॉसिबल candidates? तो यहाँ पर जो फैकल्टी के अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको यहाँ पर री एग्जामिन करने की ज़रूरत है नेक्स्ट इन द सेम वे एंड क्लोजली रिलेटेड इज़ द इशू ऑफ़ करिकुलम तो यहाँ पर दूसरा इशू में पहला यहाँ पर इशू द फैकल्टी का द यू जी सीज रिस प्रपोजल ऑफ अलाउंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वो यहाँ पर एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं एज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस तो ये यह यहाँ पर अच्छा स्टेप है वाइल्ड द एन ई पी एम्फेसाइज़ की यहाँ पर ऑटोमी देने की ज़रूरत है इसका मतलब ये नहीं कि आप अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दो एज द मोनोपली ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ओवर कॉन्टेंट डिलेवरी एंड एज क्वालिटी सिग्नलिंग एजेंसीज विद लर्नर्स विल होल्ड इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऑटोनोमी तो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी फैकल्टी के इशू को यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है करिकुलम को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है नेक्स्ट है यहाँ पर एस सी कोटा फॉर दलित मुस्लिम्स एंड क्रिश्चंस द सेंटर इज़ लाइकली टू सेंटर का ये कहना है कि हम एक नेशनल कमीशन बनाएंगे टू स्टडी द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस उन दलित्स का स्टडी करने के लिए जो कि यहाँ पर यहाँ पर कन्वर्ट हो गए टू क्रिश्चैनिटी और इस्लाम तो जो दलित्स यहाँ पर कन्वर्ट हो गए क्रिश्चैनिटी और इस्लाम और उनको यहाँ पर एससी का स्टेटस रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जिसकी वजह से उनको यहाँ पर एससी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो उसके लिए एक नेशनल कमीशन बनाई जाएगी और उनके स्टेटस को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा उनके सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस को वाई डू ना दलित्स हु कन्वर्ट टू क्रिश्चैनिटी एंड इस्लाम गेट कोटा बेनिफिट्स अब ओरिजिनल रैशनल क्या था रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का टू एस सी तो बेसिकली जिन सेक्शंस ने यहाँ पर अनटचेबिलिटी को सफ़र किया है जो कि यहाँ पर हिंदूज में अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को किया जाता था अंडर आर्टिकल थ्री फोर्टी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई द कास्ट रेस और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ ऑल ग्रुप्स विद इन कास्ट रेस और ट्राइब्स जिनको कि यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट डीम किया जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर आता है उन्नीस सौ पचास में और इसमें सिर्फ हिंदूज को कवर किया जाता है फिर यहाँ पर सिख्स को कवर किया जाता है और नाइनटीन नाइन्टी में इसमें बुद्धिस्ट को भी कवर किया जाता है नो पर्सन हु प्रोफेसिज अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू सिख और द बुद्धिस्ट रिलीजन उसको यहाँ पर शेड्यूल कास्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा डज दिस रिलीजन बेस्ड बार अपलाई टू कन्वर्टेड एस टीज एंड ओ बी सीज तो नहीं यहाँ पर एस टीज के ऊपर यह अप्लीकेबल नहीं होता है द राइट्स ऑफ ए पर्सन बिलोंगिंग टू व एस टी आर इनडिपेंडेंट ऑफ हिज और हर रिलीजस फेथ और मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद यहाँ पर क्रिश्चन और मुस्लिम कम्युनिटी को सेंटर और स्टेट लिस्ट ऑफ ओ बी सीज में इंक्लूड किया गया है तो एस टी और ओ बी सीज में ऐसा नहीं है लेकिन एस सी में ऐसा है कि रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पर एस सी स्टेटस अकॉर्ड किया जाता है इससे पहले भी कमीशन्स बनी है For example, the UPA government headed by Prime Minister Manmohan Singh set up two important panels to force the National Commission for Religious and Linguistic Minorities which was headed by Rangnath Mishra Commission in October 2004. एंड अ सेवन मेंबर हाई लेवल कमेटी हेडेड बाई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ डेली हाईकोर्ट राजेंदर सचर और सचर कमेटी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया था कि सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चन्स की है वो कन्वर्जन के बाद इम्प्रूव नहीं हुई है रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सम्मिट की दो हज़ार सात में इन्होंने ये कहा कि ऐसी स्टेटस को डीलिंग करने की जरूरत है फ्रॉम द रिलीजन रिपोर्ट बाई अ टीम ऑफ सोशोलॉजिस्ट लेड बाई सतीश देश पांडे टाइटल दलित इन द मुस्लिम एंड क्रिश्चन कम्युनिटीज़ सेट इन जनवरी टू थाउजेंड एट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केस है कि ऐसी स्टेटस यहाँ पर दलित क्रिश्चन और दलित मुस्लिम्स को भी दिया जाना चाहिए लेकिन उसके बाद ये पाया गया कि जो यहाँ पर डेटा है वो यहाँ पर इनसफिशेंट डेटा है और इसके बेसिस पर यहाँ पर जो दलित क्रिश्चन्स और दलित मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ पर ऐसी स्टेटस और ऐसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दे सकते नेक्स्ट है द सी बी आईज़ अन ईजी हिस्ट्री मई 2013 में करप्शन स्कैंडल्स यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के दौरान पता चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक केश्ड पैरट है जो कि सिर्फ अपने मास्टर की वॉइस को बोलता है तो बेसिकली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है सीबीआई में यू गवर्नमेंट के दौरान यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था द ऑब्जर्वेशन वाज मेड इन द कॉन्टेक्सट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द सी इन इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कोल ब्लॉक एलोकेशन केसेज तो यहाँ पर जो कोल स्कैम हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी डाउट्स ओवर क्रेडिबिलिटी तो सी जी आई फॉर्मा सी जी आई एन वी रमना लिमिटेड डेट द एजेंसी हैड गॉन फ्रॉम बींग द पीपल्स मोस्ट ट्रस्टेड और यहाँ पर डीप स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है था, तो एजेंसी यहाँ पर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सी बी आई का वेन इट कम्स टू द सी बी आई इट पजिस्ट इमेंस ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन इट्स इनिशियल फेज लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के साथ हमने ये देखा सी बी आई हैज़ ऑल्सो कम अंडीप पब्लिक स्क्रूटनी स्ट्रगल टू फिक्स प्रोसेस अब यहाँ पर क्या करने की कोशिश की गई थी द स्ट्रगल टू फ्री एलीट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सच एज दी बी आई एंड द ई डी और यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम करने की कोशिश की गई थी उसके लिए नाइनटीन नाइनटी सेवन का लैंडमार्क जजमेंट है विनीत नारायण जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद दिस इशू इन डिटेल तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सी बी आई डिरेक्टर का टेनिओं फिक्स कर दिया था दो साल का स्टेटोटरी स्टेटस प्रोवाइड करने की बात की गई थी टू तो द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड स्टिपुलेटेड दैट अब पैनल हेडेड बाय द सी इसके अलावा यहाँ पर टॉप सेक्रेटरीज इंक्लूड होंगे टू द यूनियन गवर्नमेंट वो ड्रॉ अप अ पैनल जो कि यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ ईडी को सेलेक्ट करेंगे लोकपाल एक्ट यहाँ पर 2013 का आता है जो कि ये प्रोसेस लेट डाउन करता है कि सीबीआई डायरेक्टर को कैसे चूज किया जाएगा यूनानिमसली बाय अ मेजारिटी वोट बाय अ सर्च कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे और इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे और सीजीआई भी होंगे फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ड्रा करेंगे और उसके बाद एग्जामिन किया जाएगा बाय द डी

इन एजेंसीज़ को पूरी तरीके से सब्जरवियंट बना दिया गया है टू द यूनियन गवर्नमेंट किसी भी एमएलए को अगर प्रोजीक्यूट करना है स्टेट मिनिस्टर और द एमपी तो सीबीआई को यहाँ पर सेंक्शन की ज़रूरत होती है फ्रॉम द स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली इन केस ऑफ एम और गवर्नर की सेंक्शन की ज़रूरत होती है फॉर द स्टेट मिनिस्टर्स अगर यहाँ पर एम का केस है तो सेंक्शन इज सॉर्ट फ्रॉम द स्पीकर ऑफ लोकसभा और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो यहाँ पर जो सेंक्शनिंग अथॉरिटीज़ है ये सब रूलिंग डिस्पेंसेशन से आती है जिसकी वजह से यहाँ पर ओपोजिशन को टारगेट किया जाता है ऐसा ओपोजिशन को यहाँ पर लगता है और ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया भी है पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर द वर्क ऑफ द एजेंसी हैज बिन फर्दर कंस्ट्रेंट क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है एज मैनी एज नाइन स्टेट्स हैव विद्रॉन जनरल कंसेंट टू द सी बी आई और ये जो स्टेट्स हैं ये अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं सिंस सी बी आई नीड्स कंसेंट ऑफ स्टेट टू प्रो ऑफेंस इन द स्टेट टू रिस्टिक्शन तो अगर जनरल कंसेंट विदड्रॉ कर ली गई है तो बेसिकली यहाँ पर हर इंडिविजुअल केस में कंसेंट लेनी पड़ेगी विद्रॉल ऑफ कंसेंट मींस सी बी आई कांट इन्वेस्टिगेट इवन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो स्टेट में स्टेशन है विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डैंगलिंग जॉब कैरट्स अब क्रिटिक्स ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है टू द वे इन विच सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का लेर दिया है फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर सी बी आई डायरेक्टर को यहाँ पर गवर्नर ऑफ नागालैंड अपॉइंट किया गया था बाई द यू पी एन दो हज़ार तेरह द एन डी ए गवर्मेंट लास्ट ईयर एमेंडेड द डी एस पी ई एक्ट और ये कहा गया था कि सी बी आई के डायरेक्टर का टिनोर यहाँ पर पाँच साल का हो सकता है लेकिन यहाँ पर दो साल का टेन्योर होगा उसके बाद एक्सटेंशन दिया जाएगा हर एक एक साल का द डायरेक्टर वुड गेट एन एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ईच ईयर एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट अगर यहाँ पर एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ ही होगी नेक्स्ट है यहाँ पर द कंट्रोवर्सी ओवर नाक्स सिस्टम फॉर एसेसिंग हायर एजुकेशन तो यहाँ पर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की बात की गई है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एसेस और सर्टिफाई करती है और यहाँ पर ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है थ्रू अ मल्टी लेयर्ड प्रोसेस अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लर्नस क्या ये यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मैच करता है रेटिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ए प्लस प्लस से लेकर सी तक हो सकती है अगर किसी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर डी रेट किया गया है इसका मतलब ये है कि उस इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर रेटिंग नहीं हुई है इट मीन्स इट इज़ नॉट एक्रेडिटेड वॉट इज द लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट तो यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी हम नहीं देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी बड़ौदा में तो ये देखा गया कि पीयर रिव्यू टीम को यहाँ पर गोल्ड कैश और बाकी फेवर्स दिए गए कि यहाँ पर अच्छी रेटिंग दे दो लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये सारे एलिगेशंस यहाँ पर फॉल्स हैं फ्रॉम द प्रिवेलिंग इनपुट बेस्ड अप्रोच यहाँ पर नाक का प्लान ये है कि हमें आउट उकम बेस्ड अप्रोच की तरफ शिफ्ट होना चाहिए अब इनपुट बेस्ड अप्रोच का मतलब ये है कि कोई यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट है आप उसी से पूछ रहे हो कि आपकी थीसिस कैसी तो वो तो यही बताएगा ना उसकी थीसिस बहुत अच्छी है तो यही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है द वाइट पेपर स्टेट्स द करेंट सिस्टम इज अकिन टू एक्सेप्टिंग द क्लेम ऑफ अ पी कैंडिडेट जो कि खुद कह रहा है कि उसकी हाई क्वालिटी की थीसिस है तो आपको यहाँ पर क्या करने की जरूरत है आपको यहाँ पर आउटकम बेस्ड अप्रोच के ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत है इन इट सजेस्ट दैट इम्फेसट शुड बी ऑन फाइंडिंग आउट क्या स्टूडेंट्स इक्विप्ड हैं विद रेलेवेंट स्किल्स एंड एकेडमिक एबिलिटीज़ तो इसके लिए यहाँ पर नाक की बात की गई है कैन ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अप्लाई फॉर एक्रेडिटेशन तो नहीं यहाँ पर एटलीस्ट सिक्स ईयर ओल्ड होना चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और यहाँ पर टू बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए होने चाहिए और एक्रेडिटेशन यहाँ पर पाँच साल के लिए वैलिड होता है उसके बाद यहाँ पर वापस से अप्लाई करना पड़ता है अब यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशन के लिए एक्रेडिटेशन मैंडेटरी है उसके बाद भी यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं उनको खराब एक्रेडिटेशन ना मिल जाए खराब ग्रेडिंग उनको ना मिल जाए अकॉर्डिंग टू करंट एंड फॉर्मर ऑफिशल ऑफ़ द नाक द फियर ऑफ ऑफ अ पुअर ग्रेड और नो एक्रेडिटेशन एट ऑल होल्स बैक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर इवेल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्वीन का फ्यूनरल हुआ है तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ बना दी है वर्ल्ड पेज पर तो ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन बाइडन ने ये कहा है कि अगर चाइना इन्वेट करता है ताइवान को तो ऐसे में यूएस फोर्सेज डिफेंड करने आएंगे ताइवान को यू एस प्रेसिडेंट जो बाइडन सेट यू एस फोर्सेज वो डिफेंड ताइवान इन द इवेंट ऑफ ए चाइनीज इन्वेजन तो चाइना का यही कहना है कि ये जो बाइडन के स्टेटमेंट से ये रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को जो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ताइवान को सीख करना चाहते हैं नेक्स्ट है एब बी अमेंट्स नॉम्स मैक्मम वैल्यू ऑफ कंपनी मार्केट लिंकड सल्यूशन अब ये न्यूज़ एस सच इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इकोनॉमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है तो यही डिस्कस कर लेते हैं एमिंग टू प्रोवाइड बेटर मार्केट लिंकड सल्यूशंस फॉर स्ट्रेस्ड कंपनीज इन सोलवेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नॉम्स को अमेंड किया है द न्यू नॉम्स विल इनेबल अ रेजोल्यूशन प्लान इंक्लूड सेल ऑफ वन और मोर एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डाटा टू वन और मोर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स जो भी यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं टू लुक फॉर सेल और वन और मोर एसेट्स ऑफ द कॉरपोरेट डेटर जहाँ पर यहाँ पर रिजोल्यूशन प्लान पूरे बिजनेस के लिए नहीं मिल पा रहे हैं तो जो एसेट्स यहाँ पर सेल हो पा रहे हैं उन एसेट्स को यहाँ पर सेल कर दिया जाएगा द इन्सॉलवेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रोवाइड्स फॉर अ मार्केट लिंक्ड एंड टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स और हमने ये देखा कि दो में एज मैनी एज सेवनटीन हंड्रेड थ्री कॉर्पोरेट इन्सॉलवेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंडेड अप इन लिक्विडेशन तो यहाँ पर रिजोल्यूशन नहीं हो रहा जिसकी वजह से लिक्विडेशन करना पड़ा द एमेंडेड रेगुलेशन विल इनेबल अ रिजोल्यूशन प्लान और यहां पर सेल ऑफ वन और मोर एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा टू वन और मोर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेशन जो भी यहां पर रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किए जाएंगे तो ये यहाँ पर कुछ नॉर्म्स को चेंज किया गया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने रीड किया तो फर्स्ट पेज पर हमने इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन रीड की और इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया जो सी बी आई है वो यहाँ पर अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के सब्जरबियट है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये एक्ट करता है सी बी आई तो सी बी आई यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करता है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करता है फिर नेक्स्ट मीनिंगफुल चांस टू दो ऑन डेथ रो तो इसके लिए यहाँ पर बच्चन सिंह का केस का केस को हमने डिस्कस किया जहाँ पर डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनली अपेल्ड किया गया था लेकिन ये कहा गया था कि इसको रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर केसेस में ही दिया जाएगा फिर यहाँ पर ये कहा गया था कि हमें एक गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है टॉप कोर्ट का ऐसा कहना था कि हमें एक गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है और मिटिगेटिंग गेटिंग सर्कमस्टांसिस को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब यहाँ पर हम डेथ सेंटेंस दे रहे हों अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं इंडियंस प्रेफर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेश्स बैगर्स फॉर मेकिंग डोनेशंस ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बाकी यहाँ पर हिसाब रोक्य हो जो भी डिबेट हुई वो हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की तो बेसिक स्ट्रक्चर आया था केशवानंद भारती केस से फिर इस डॉक्ट्रीन को यूज़ किया गया था इंदिरा गांधी के केस में फिर आई आर कोलो वर्से तमिलनाडु में इसको वापस अपेल्ट किया गया फिर यहाँ पर ईरान का केस हमने डिस्कस किया जिसमें एक महिला की जान चली जाती है जब उसको डिटेन किया जाता है क्योंकि उसने हिजाब यहाँ पर ठीक से नहीं पहन रखा था जिसकी वजह से मोरालिटी पुलिस ने उसको यहाँ पर डिटेन किया था तो ये हमने डिस्कस कर लिया ज्यादा बड़ा इशू नहीं है इंडिया एंड द यूरेशन वैक्यूम अब इंडिया एंड द यूरेशन वैक्यूम हमने डिस्कस कर लिया है कि ये हमें पॉसिबिलिटीज़ भी देता है तो हमें उन पॉसिबिलिटीज़ को देखने की ज़रूरत है लेकिन यहाँ पर जो रशिया की वनरेबिलिटी है उससे चाइना को बहुत ज्यादा फ़ायदा होने वाला है अब हमारे लिए तो सबसे अच्छी सिचुएशन ये रहेगी कि रशिया और वेस्ट पीस में रहें लेकिन ऐसा है नहीं तो जो रियलिटी है हमें उसको देखने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने स्टेप्स लेने की ज़रूरत है रीथिंकिंग यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये कहना है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर मल्टी यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाएगा अब ये कहा गया है कि हमारे इंस्टीट्यूशनस क्या इतने काबिल हैं कि वो बन पाएंगे ऐसा तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फैकल्टी का जो प्रोसेस है फैकल्टी अपॉइंटमेंट प्रोसेस उसको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है इसके अलावा करिकुलम को चेंज की करने की जरूरत है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की जरूरत है नेक्स्ट है यहां पर एससी कोटा फॉर दलित मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्स डिबीआई हिस्ट्री ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर हमने नाक को भी डिस्कस कर लिया है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल फिर यहाँ पर यूएसए का ये कहना है कि अगर चाइनीज़ इन्वेजन होता है अगेंस्ट ताइवान तो यूएस के फोर्सेस यहाँ पर डिफेंड करने आएंगे इब बी एम एंडस नॉर्म्स और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपनी आए इसके अलावा मार्केट लिंक्ड सल्यूशन निकले और लिक्विडेशन से पहले यहाँ पर रिजोल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी अगर यहाँ पर पूरी कंपनी का रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है कुछ सेल ऑफ फसेट्स हो रहा है तो वही किया जाएगा तो ऐमिंग टू प्रोवाइड बेटर मार्केट लिंक सल्यूशन फॉर स्ट्रेस्ड कंपनीज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्राफ्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हेज रेमेंडेड इट्स रेगुलेशन एंड अलाउ सेल ऑफ वन और मोर असेट्स ऑफ एन 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 एंटिटी जो कि यहाँ पर इन्सोवेंसी प्रोसीडिंग्स के थ्रू अंडर गो कर रही है तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स टू लुक फॉर सेल ऑफ वन और मोर एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जिन केसेस में यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान नहीं मिल रहा है फॉर द होल बिजनेस तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अ नाइस डे